न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अंतिम दो स्वाध्यायों में हम आप लोगों ने सत्ता स्वरूप ग्रंथ के आधार से तीन विषय बिंदुओं की विशेष चर्चा की है, युक्ति पूर्वक ज्ञान, आस्तिकता और रसिकता, जिसे प्रमाण नए स्वरूप आगम और अध्यात्म का यथार्थ ज्ञान होता है, यथार्थ सम्यक ज्ञान होता है, सविकल्पक अवस्था में निर्णय रूप ज्ञान होता है, उसी को आस्तिकता रूप यथार्थ सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, यथार्थ श्रद्धा का अधिकारी वही होता है। और जिसे ये ज्ञान और श्रद्धान दोनों होते हैं, युक्तिपूर्वक ज्ञान और आस्तिकता ये दोनों होते हैं, उसी जीव को सचमुच में जिनागम में रस आता है, रसिकता, मतलब वही जीव स्वाद ले सकता है, वही जीव आनंद ले सकता है। तीसरा वाला पॉइंट जो है वो चारित्रवाचक, वो चारित्रवाचक है, वह क्योंकि बिना श्रद्धा के, बिना ज्ञान के श्रद्धा नहीं, मतलब यथार्थ ज्ञान के बिना यथार्थ श्रद्धा नहीं, और यथार्थ श्रद्धा और ज्ञान के बिना चारित्र नहीं। इन तीनों गोलों में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीन बातें उसमें छुपी हुई, इसकी चर्चा हम आप लोगों ने की है। अब इसी विषय को हम आप लोग आगे बढ़ाते हैं। सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत ये अपना मूल प्रकरण चल रहा है, और ये टोरमली इसमें भागचंद जी साहब ने समझाया इसीलिए कि कुल परंपरा और पद्धति के अनुसार संगति मात्र से, या जैन में जन्मा हुआ हो या जैनों के बीच रहकर के जैन धर्म का पालन करता हो, या संगति से हो, संगति किसी भी प्रकार से हो सकती है, वो चाहे पड़ोसी के रूप में भी हो सकती है, वह चाहे पारिवारिक जीवन की संगति से भी हो सकती है। हाँ, समझाइए, खास आपने जो राजकोट वाला नहीं बात हो स्पष्ट समझा से, चालो ने पांच शाला चाले छे तो आपने जई, शेरी माती छोकराओ जाए छे एटले जईए, समझ में आई बात। जैसे स्वामीनारायण परिवार वाले आए, दिलेश भाई के परिवार में जो मूल दिगंबर वाले थे, चलो भाई अब नीलेश भाई वाला बदाय माने छे तो एना परिवार ने आपणे फॉलो करिए, नहीं पत्नी के रूप में संगति नहीं, पड़ोसी के रूप में संगति नहीं, सामाजिक संबंध के कारण संगति नहीं। मैंने उदाहरण दिया था, आप लोगों को ख्याल होगा, कोई बहुत बड़ा माथा चला जाता है, मतलब मर जाता है, गुजर जाता है, तो घंटे दो घंटे के लिए उसकी प्रार्थना सभा हो,
हाँ अपने मंदिर में हो, मूल दिगंबर मंदिर में हो, स्वाध्याय भवन में हो, तो वो अन्य धर्मावलंबी भी सामाजिक संबंध के कारण उस प्रार्थना सभा में आते हैं। मंदिर में भी जाएंगे, समोशरण में भी जाएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, दर्शन भी करेंगे। क्या वो घंटे दो घंटे के लिए दर्शन मात्र करने से जैनी हो गए? बोलो, एक दो घंटा वहां आ जाने मात्र से क्या वे जैन बन गए? ये गजब की बात है। सामाजिक संबंध के रूप में भी नहीं, पारिवारिक संबंध के रूप में भी नहीं, मित्र के रूप में भी नहीं, मतलब संगति मात्र से धर्म की आराधना भी सच्ची धर्म की आराधना नहीं है। बस मूल बात ये चल रही, मेरे रोंगटे खड़े होते हैं मैं जब बोल रहा हूँ, ये समझ में आ रही बात आप? मतलब आप देखो, दुनिया दुनिया कहाँ है? दुनिया अपने आप को शाबाशी देती है, अरे हमारे बाप दादा तो वो अन्य धर्म को मानते थे और बस हमारे पिताजी इसमें आ गए तो हम भी इसमें आ गए, हमें तो कुछ धर्म का था ही नहीं। सारी बातें सच है, लेकिन निर्णय कितनों का हुआ? वस्तु स्वरूप का निर्णय हुआ या नहीं? मतलब युक्ति पूर्वक ज्ञान हुआ या नहीं, आस्तिकता आई या नहीं, रस आ रहा है या नहीं? बस तीन बातें याद रखिए आप। युक्ति पूर्वक प्रमाण का ज्ञान होवे, जिनागम का आगम और अध्यात्म का यथार्थ यदि ज्ञान होवे, और आस्तिकता तत्व यही है, तत्व इसी प्रकार से है, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के अलावा कोई मार्ग है ही नहीं, बराबर, और वीतरागी सर्वज्ञ भगवान के अरहंत भगवंतों को माने समझे बिना दूसरा कोई उपाय नहीं, इस प्रकार की श्रद्धा हुए बिना, ये भी व्यवहार श्रद्धा। क्या कहा सतीश कुमार? ये भी व्यवहार श्रद्धा, केवल इस प्रकार की श्रद्धा मात्र से भी मोक्ष तीन काल में नहीं होने वाला है, पुण्य बंधेगा, पुण्य का अभाव नहीं होगा। क्या कहा? भाषा समझ में आ रही है? अरहंतों को समझने से, अरहंतों को पूजने से पुण्य तो बंधेगा, लेकिन परमात्म पना नहीं होगा। क्या मतलब है? क्योंकि उनके लक्ष्य से, उनके पूजने से तो पुण्य बंधेगा, पुण्य का अभाव नहीं होगा। पुण्य का अभाव करने के लिए अरहंत भगवंत जिस आत्म स्वभाव में लीन हुए हैं, उस आत्मा में लीन हम भी होंगे तो ही पुण्य का अभाव होगा। जेटला पण आप लोगों सांभळो छो, अत्यारे मने चार छ जना देखाओ छो, मारी वात समझाय छे आप सौने? बोलो सूरत वाला भाई वकील साहेब जगदीप भाई, समझाय छे वात? अरहंतों ने पंच परमेश्वरियों ने मानवाती पुण्य तो बंधा से, પણ પુણ્યનો અભાવ નહીં થાય। અને જૈન દર્શન જે છે, એટલે જૈન દર્શન વીતરાગી શાસન જે છે, એ વીતરાગી શાસન પુણ્ય બાંધવા માટે નથી, પુણ્યના અભાવ કરવા માટે। વાહ ક્યા ગજબ કી વાત! પુણ્ય કા અભાવ કરને કે લિયે, પુણ્ય ઓર પાપ દોનો કા અભાવ કરને કે લિયે। बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात। वो है ना दो तरह के भगवान वाला पाठ, तो दो तरह के भगवान वाला पाठ जो कल परसों भी आपने लिया था, उसमें एक पंक्ति है बहुत बढ़िया कि पाप से बचने के लिए हम मंदिर आते हैं। क्या कहा? पाप से, अशुभ से बचने के लिए तो जिन मंदिर आते हैं, लेकिन हीन पुण्य से भी हमें यहां बचना चाहिए क्योंकि मंदिर आने से पुण्य तो बंधेगा ही बंधेगा,
धर्म तो ये कहता है कि तू पुण्य से भी बचता रहे, केवल पाप से ही बच, ऐसा नहीं। ब्लैक फंगस से बचना चाहिए कि येलो फंगस से बचना चाहिए कि व्हाइट फंगस से बचना चाहिए? अरे हर रोग से बचना चाहिए। पेंटागन एंड पार्टी क्या कहा? साहेब हमारे फंगस ज जो तो नहीं। क्या गजब की बात है, स्वास्थ्य लाभ की बात है ये। हम रोग नहीं चाहते, बस पुण्य का भी रोग नहीं चाहिए, पाप का तो चाहिए ही नहीं, हमें पुण्य का भी रोग नहीं चाहिए। वो दो पंक्ति अपन गाते हैं बहुत बढ़िया, बहुत गजब का सिद्धांत है, पूजा में गाते हैं अक्सर। पाप भाव की कुटिल काली मां, पुण्य भाव की मधुर लाली मां। क्या कहा? पाप भाव की कुटिल काली मां, पुण्य भाव की मधुर लाली मां, नष्ट करो दुख कारा, रोम रोम से निकले प्रभु वर नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। समझ में आई बात? पाप की काली मां भी नहीं चाहिए तो पुण्य की लाली मां भी नहीं चाहिए। भाषा समझ में आ रही है? ये है जैन दर्शन। इसलिए कुल पद्धति से, बाप दादाओं की परंपरा से, अरे कुल दैवत वैवत वाली सारी मान्यता उठ जाती है। सतीश कुमार, आपके कुल दैवत कौन से हैं? पार्श्वनाथ या महावीर या आदिनाथ? हमारे सारे 24 तीर्थंकर, हमारे भूतकाल के 24 ही, हमारे भविष्यकाल के 24 ही, वीतरागी जिन बिंब, ये हमारे कुल दैवत हैं, हमारे आराध्य हैं। मोक्ष मार्ग से नेतारम वेतारम कर्म भूव्रतम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये। हम तो उन जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए उन्हें वंदन करते हैं। आज जयपुर समय सार की कक्षा में सुबह 10:15 साढ़े दस से 11:15 बजे तक जो क्लास चली, उसमें बहुत मार्मिक बात आई। सांभळ जाओ बधाए, बहुत शांति थी सांभळ जाओ। एमा एवी बात आवी, सांभळवानो लाभ केवो? तमारे सांभळवू छे बधाए ने, शुं दृष्टांत आप्यो एमा हुं वात करूं। हा, सुना है सभी को? आचार्य विद्यानंदी, आचार्य विद्यानंदी जिन्होंने अष्ट सहस्त्री ग्रंथ लिखा, आप्त परीक्षा ग्रंथ लिखा, पत्र परीक्षा ग्रंथ लिखा और श्लोकवार्तिक ग्रंथ लिखा, जिन्होंने आचार्य विद्यानंदी, ये लगभग 9वीं शताब्दी में हुए, अकलंक देव के बाद हुए, 7वीं-8वीं शताब्दी में अकलंक देव हुए, उनके बाद हुए, लगभग 100-200 साल के अंतराल में हुए। वो ब्राह्मण संप्रदाय में थे, समझो बताए, वो ब्राह्मण संप्रदाय में थे और रोज जिन मंदिर के बाहर से निकलते थे, अपने जैन मंदिर के जिन मंदिर के बाहर से आंगन में से निकलते, तो वहां रोज आप्त मीमांसा का पाठ किया जाता, देवागम स्तोत्र, आप्त मीमांसा, देवागम नवोयान चामरादि विभूतया
माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्। वीतरागी सर्वज्ञ भगवंतों की कसौटी इस ग्रंथ में की है, समन्तभद्र आचार्य ने लिखी है वो पहली दूसरी शताब्दी में, मतलब ये नवी शताब्दी के आचार्य, मतलब 800-900 साल पहले वो लिखी गई रचना समन्तभद्र आचार्य की आप्तमीमांसा, हाँ देवागम स्तोत्र वो वहां पढ़ा जा रहा था, रोज पढ़ा जाता था। तो वो शब्द जो है ना वो इतने स्पष्ट उच्चारण से गाए जाते थे, वो गायन विद्यानंद आचार्य रोज सुना करते थे। उनका वहां से निकलना और बराबर देवागम स्तोत्र का पाठ मंदिर में होना, तो क्रांति ऐसी हो गई कि उनके जो भी पूर्व भव के संस्कार हो वो एक एक शब्द एक एक पंक्ति उनको समझ में आने लगा संस्कृत का, देवागम सूत्र का। मतलब वहां तो उदाहरण इसलिए दिया था कि शब्दोच्चारण कितना शुद्ध होना चाहिए। तो आचार्य विद्यानंद जी को उस गृहस्थ अवस्था में सुनते 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 इतनी महिमा आने लगी, ब्राह्मण संप्रदाय में थे वो बोले कि बात तो यही सही है, ब्राह्मण संप्रदाय को छोड़ दिया, जैन कुल का ग्रहण किया, जैन परंपरा को अपनाया और कुछ काल बाद स्वयं दीक्षित भी हो गए और उसी आप्तमीमांसा के ऊपर, उसी देवागम स्तोत्र के ऊपर जो उनसे 100 साल पहले अकलंक देव ने जो अष्टशती ग्रंथ लिखी थी उसके ऊपर उन्होंने 8,000 श्लोकों में टीका लिखी जिसका नाम है अष्ट सहस्त्री। मैंने ये उदाहरण किसके लिए बताया आप लोगों को, हाँ सुनने का क्या लाभ होता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं वन बेस्ट लिसनर बीइंग अ बेस्ट ऑरेटर, वन बेस्ट लिसनर, लिसनर मीन्स श्रोता, एक सारा श्रोता, एक अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बन सकता है। हा? मुझे आप बताओ, मैं इतना गुजराती में आप लोगों के साथ यहाँ संवाद कर सकता हूँ, मैं बातचीत कर सकता हूँ, बोल सकता हूँ, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, ये कोई भाव भाव में पढ़ के थोड़ी ना आए। अरे वातावरण में सहज ही बोलना लिखना पढ़ना तो अभ्यास के कारण सहज ही वो भाषा अवगत होती है कि नहीं, इसलिए सुनने का अभ्यास कर, निरंतर सुनने का अभ्यास करना। समझ में आई बात, ये मैंने आपको जैन धर्म के बारे में ना सुभाषित रत्न संदोह में से मैंने आपको ये बात बताई थी, बहुत जोरदार थी, अभी 2-3 दिन पहले जो मैंने आप लोगों से कही थी बहुत मार्मिक बात थी वो, हाँ उसको अपने को याद करना चाहिए निरंतर। हाँ देखो ये सुभाषित रत्न संदोह वाला, इसको देखो आप ना बढ़िया ही है, बहुत अद्भुत है। इमिह परम सौख्यम निष्पृहत्वं यदेतत् किमथ परम दुःखं सस्पृहत्वं यदेतत् इति मनसि विधाय त्यक्त संगा सदाये विदधति जिन धर्मं तेनरा पुण्यवंतः। चौथी पंक्ति देखिए आप, अंतिम पंक्ति, विदधति जिन धर्मं तेनरा पुण्यवंतः, वे मनुष्य पुण्यशाली हुआ करते हैं, है कौन, विदधति जिन धर्मं जो निरंतर जिन धर्म की आराधना करते हैं, हाँ कौन है वे जीव। इमिह परम सौख्यम, पहला प्रश्न,
किम इह परम सौख्यम, संसार में इह मतलब संसार में परम सौख्यम किम, उत्कृष्ट सुख क्या है, तो कहते हैं निष्प्रहत्वम, निष्प्रहता यही उत्कृष्ट सुख है। दूसरा प्रश्न, किम अथ परम दुखम, उत्कृष्ट दुख क्या है, जो सस्पृहता है, जो इच्छा है, अभिलाषा है, वांछा है, लाभ की भावना है, लोभ की वासना है, वही उत्कृष्ट दुख है। इस प्रकार मन में विचार करके देखो, दो ही बातें, निष्पृहता वह उत्कृष्ट सुख है, सस्पृहता वही उत्कृष्ट दुख है। बस इच्छा का नाम दुख और इच्छा के अभाव निष्प्रहता का नाम सुख। इस प्रकार मन में विचार करके जो भी जीव परिग्रह का त्याग करते हैं, इति मन से विधाय त्यक्त संगासनाये विदधति जिन धर्मम तेनरा पुण्यवंत। संसार में उत्कृष्ट सुख क्या है, यह जो निष्प्रहता है वही उत्कृष्ट सुख है। उत्कृष्ट दुख क्या है, यह जो सस्पृहता है वही उत्कृष्ट दुख है। आहा, सस्पृहता मतलब घर परिवार पैसा पुत्र पत्नी शरीर, इन संयोगों संबंधी जो संकल्प विकल्प हैं वे सब सस्पृहता कहलाते हैं, वही दुख है। इस प्रकार मन में विचार करके वह युक्ति पूर्वक ज्ञान, हाँ, जो भी जीव परिग्रह का परित्याग करते हुए, देखो परित्याग करते हुए विदधति जिन धर्मम, निरंतर जैन धर्म की आराधना करते हैं वे पुण्यशाली हैं, वे पुण्यशाली होते हैं। इतनी अलौकिक बात है, हाँ? देखो जैन धर्म की सेवा कौन करता है जीव, सेवन कौन करता है जैन धर्म का, वही भाग्यशाली जीव करता है और वही जीव भाग्यशाली कहलाता है। कौन? जो जगत की वासना को छोड़ करके धर्म की उपासना। तो लाभ की भावना से जिन धर्म की सेवन की तो बात ही नहीं है, वो जैन ही हो नहीं सकता है, वो सांसारिक जैन है, वो सांसारिक प्रयोजन वाला, हाँ, सांसारिक प्रयोजनार्थ धर्म धारक मिथ्या दृष्टि है वो। भाषा भाषा समझ में आ रही है, हाँ? इसलिए कुल पद्धति से, परंपरा से, लाभ से, लोभ से, सत्ता के लाभ से, याद रखना, हाँ? हमें पद मिलेगा, अरे भाई पद और प्रतिष्ठा के लिए धर्म का सेवन नहीं होता है, हाँ? हमें बड़ा पद मिल जाएगा, फलाना ढिकना, मैं बंबई में एक जगह गया था स्वाध्याय के लिए, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वहां की बनी हुई घटना मैंने अपनी आंखों से देखी हुई है। तो वहां जो भी मंदिर के व्यवस्थापक ट्रस्टी गण जो होंगे, उनमें एक अजैन था। अजैन, वो भले सालों से मंदिर आना जाना उसका चलता था, लेकिन उसको वहां पद दिया गया था उस पूरे ट्रस्टी मंडल में। तो सभी लोग मुझे परिचय करा देते कि हाँ, ये फलाने फलाने भाई है, अन्य धर्म में है, फलाने में थे इधर उधर, लेकिन अब वो मंदिर सालों से आ रहे हैं, हमने उनको दिया फलाना ये सब। तो उनके घर पे एक बार भोजन के लिए जाना, तो जब मैं भोजन के लिए गया तो स्वाभाविक है आधा पाँव घंटा कोई बातचीत वगैरह होती है, चर्चा होती है, तो मैंने उनसे सहज पूछा, चलो बड़े भाग्यशाली हैं आप तो भाई कि आप मंदिर आने लगे, आपका परिवार आने लगा और आपको ट्रस्टी पद भी मिल गया, तो आप गुरुदेव श्री को सुनते हैं, स्वाध्याय वगैरह करते हैं निरंतर, तो मालूम उसने क्या बोला मुझे,
कि नहीं नहीं बस ये पर्युषण पर्व में आते हैं विद्वान तब हम लोग आते हैं, बाकी फिर हम कभी मंदिर भी बहुत कम जाते हैं। मुझे क्या कहना चाहिए उस व्यक्ति से बताइए आप, वो कितने परसेंटेज में जैन है? वो पद के कितने लायक? अरे पद और प्रतिष्ठा के लोभ से करेगा तो और डूबेगा। बात समझ में आ रही है? पद और प्रतिष्ठा के लोभ से करेगा तो और डूबेगा। यहां तक आ गया था ये बड़े भाग्य की बात थी, यहां आकर के और अटक गए। हमें सत्य चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, ऐसी हमारी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। क्या कहा? हमें सत चाहिए, हमें सत्ता नहीं चाहिए, ऐसी प्रतिज्ञा होनी चाहिए। अरे ये कुल परंपरा से, संगति मात्र से, पद प्रतिष्ठा के लोभ से धर्म, अरे उसके लिए धर्म का सेवन थोड़ी ना किया जाता है। बहुत सुंदर बातें हैं, बहुत समझने जैसी बातें हैं भाई। ज्ञान उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो जैनी किसे कहते हैं? जैनी। ज्ञानी जीव जैन उन्हीं को कहते आत्म तत्व निहारे जो जो का त्यों जाने तत्वों को ज्ञायक चित में धारे जो। ज्ञायक स्वभाव ये आत्मा का चित्त में जो धारण करते हैं वह जैन कहलाता। सच्चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो। क्या कहा? परम प्रतीति लावे। किसकी? सच चे देव शास्त्र गुरुवर की परम प्रतीति लावे जो। वीतराग विज्ञान परिणति। परिणति कैसी? वीतराग विज्ञान परिणति सुख का मूल विचारे जो। सुख का मूल क्या है? वीतराग परिणति। वीतराग परिणति। सतीश कुमार बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सत्ता में भले ही रहो आप, लेकिन सत्य को कभी मत छोड़ो। सत्य से चूके तो भव हार गए। सत्य की आराधना के लिए, सत का सम्मान करने के लिए जैन पना, सत का सम्मान करने के लिए देव शास्त्र गुरु का सत्संग है। आज मैंने धौला में कितना बढ़िया उदाहरण पढ़ा। धौला जी में मेरे पास है, सामने अभी है मेरे पास, बताता हूं मैं। आप देखिए, आप आपके सामने है स्क्रीन के ऊपर, बहुत जोरदार, इतना आनंद आया। एक सेकंड, बहुत ही अलौकिक, बहुत अलौकिक, मतलब हृदय प्रफुल्लित हो गया। देखो इतना सुंदर है ये, है ना, ये गाथा दिख रहे हैं आपको? गाथा देखो, इसमें नंबर एक दिखा हुआ है, दिखा है नंबर एक? एक सेकंड ना, एक ही सेकंड, आपको एक जोरदार मैं वस्तु बताता हूं। देखिए मैं क्या बताना चाहता हूं आपको, आप लोग देखिए, मजा आएगा आपको। देखिए ये जो है ना शब्द, मैं आपको ये आपको विशेष बताना चाहता हूं। देखिए बहुत जोरदार है ये। जिन वयन
ये शब्द लिख रहा है जीर्ण वयण एम ऐसा जो शब्द लिखा हुआ है हा? ये जो है एक मिनट बहुत जोरदार है बहुत मार्मिक पंक्ति ये है देखो इसमें माल देखने लायक जिय मोहिंदन जलनो अन्नाण तमंद यार दीन यरवो कम मल कलुस पुसो जिन वयन मिवो वही सुहयो। आप देखना कितनी जोरदार बात है क्या लिखा आगे अर्थ देखो यह जिनागम जीव के मोह रूपी ईंधन के भस्म करने के लिए है ना जीव मोही ईंधन जलनो जिन मोह ईंधन जलनो जीव के मोह रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है और अन्नाण तमंध यार दिन यरवो अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए दिन यरो मतलब दिनकर सूर्य के समान है मोह रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान इजनागम बरोबर और अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान और कम मल कल सपुसो कर्म मल अर्थात द्रव्य कर्म और कर्म कलुष अर्थात भाव कर्म। वाह क्या शब्द है कम मल मतलब कम मतलब कर्म कर्म मल मतलब द्रव्य कर्म और कलुष मतलब भाव कर्म इनको पुसो पुसो मतलब पोछने के लिए साफ करने के लिए स्वच्छ करने के लिए क्या है समुद्र के समान है। जैसे जल से गंदगी दूर होती है ऐसे ही यह जिनागम अग्नि के समान है सूर्य के समान है समुद्र के समान है। वाह मोह रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। वाह मतलब ये जिनागम और ये जिन धर्म हम आप लोगों को जो मिला है ये अग्नि तुल्य है ये सूर्य के समान है अरे ये तो समुद्र के समान है द्रव्य और भाव कर्म को साफ करने के लिए और परम सुभग है। वाह कि जिनागम परम सुभग है सौभाग्य जिन वयन मिवो वही सुहयो। क्या गजब की गाथा है मेरा तो रोम रोम पल पुलकित हो गया। देखो नीचे लिखा हुआ है धौला पुस्तक एक देखो आप हाँ दिख रहा है आप लोगों को सबको देखो कितना जोरदार ये कोटेशन है धवला पुस्तक एक पृष्ठ 59 हाँ क्या गजब का संदर्भ है। ऐसा आचार्यों ने जो लिखा है उसके प्रति तो बिल्कुल हम आप लोग नतमस्तक हो जाते हैं। सुना ध्यान से इस संदर्भ को सुना अग्नि के समान मोह रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए अग्नि के समान है जिना सूर्य के समान है क्या गजब की बात समुद्र के समान है द्रव्य कर्म और भाव कर्म इसको धोने के लिए। सच में एक संदर्भ भी पढ़ते हैं ना ऐसा लगता है ये हीरा हीरा देखा इतना आनंद आता है। तो भाई हम आप लोगों को धर्म की महिमा स्वभाव की महिमा आनी चाहिए तो ही हम आप लोग सचमुच में धर्म के सच्चे उपासक बन सकते हैं बराबर। तो केवल कुल परंपरा और संगति मात्र से धर्म को अपनाने से कभी निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है वंदना शत बार है वंदना शत बार है।
जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गहे सुपावे सुख चैन, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो।